जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। कैंसर हिंस और आपकी मंत्र परीक्षा में आपका स्वागत है। सन मून राइजिंग जैसे भी आप कर्क राशि से कनेक्ट करते हो, सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जैसे भी आप कैंसर हिंस से कनेक्ट करते हो, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। किसी और के लिए देखना चाहते हो तो किसी और के लिए भी देख सकते हो। एंड आई नो सम ऑफ द कैंसर हिंस जो डेस्परेटली वीडियो की वेट कर रहे हैं, तो जब वीडियो मिल जाए तो फीडबैक देना मत भूलेगा और शेयर करना मत भूलेगा एटलीस्ट 3 लोगों के साथ। सो लेट्स सी कैंसर हिंस के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कर्क राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, सितंबर का महीना कर्क राशि के लिए। ओके, अब देख लेते हैं किस एरिया ऑफ फोकस आपका क्या होने वाला है सितंबर के महीने में। मेन एरिया ऑफ फोकस कर्क राशि के लिए क्या होने वाला है। आई काइंड ऑफ मेरे को लगता है मैंने यही कार्ड देखा था। और अब देख लेते हैं आपकी गाइडेंस क्या है सितंबर के महीने के लिए। तो ओ गॉड, ओके, लेट्स सी। बड़ी जबरदस्त गाइडेंस आई है, कुछ बहुत बड़ी छलांग मार के आई है। तो लेट्स सी कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आया है वो बोलता है पेशेंस। सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपकी हेल्प करने वाली है वो है पेशेंस और खुद पे भरोसा करना। तो ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। देयर माइट बी अ टेस्ट, देयर माइट बी कि आपको किसी आग में कूदना हो चैलेंज की, या किसी तरह का चैलेंज लेना हो, या किसी तरह से आपको प्रूव करना हो। अपने आप को बिल्कुल भी पीछे मत समझिएगा, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी द टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके पेशेंस और खुद पे जो आपका फेथ है वो बहुत सारी चीजें चेंज कर देगा। सेकेंड कार्ड जो है यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7-11 है बाय द वे। तो 7 और उसके बाद 10 की एनर्जी है डायरेक्टली, और व्हील ऑफ फॉर्चून है। और व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो डेफिनेटली बताता है दैट चीजें चेंज हो रही हैं। जो वेब क्रिएट किया गया था, आप उस वेब से बाहर निकल रहे हो। जो आपने अपनी मेहनत से वेब क्रिएट किया था वो आपको चीजें कैप्चर करके देगा, बट फ्रूटफुल होने की एनर्जी है। बट एट द सेम टाइम आपने ध्यान रखना है कि ये गॉड ऑफ ट्रिकरी भी है, तो ट्रिक नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। बट यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि जो वेब है उसमें भी चींटियाँ फंस जाती हैं, एक तरह की ट्रिक होती है, मकड़ी वो जाला बनाती है, चींटियों को पता नहीं लगता है, और चींटियाँ या दूसरे जो भी इंसेक्ट्स हैं उसमें फंस जाते हैं और मकड़ी का भोजन बन जाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को भी सही से रखना है और दूसरों की एनर्जीज को भी सही से समझना है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट समथिंग इज चेंजिंग फॉर यू फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद 10 ऑफ कॉइन्स है। 10 ऑफ कॉइन्स जो एनर्जी है वो भी कंप्लीशन की होती है, जो कई बार समय से पहले हो जाए, जल्दबाजी में हो जाए, इसीलिए वो पूरा इंसान नहीं बन पाया। उसका हेड जो है वो डॉग का रह गया, उसके टांगे जो है वो डॉग की रह गई, पूरी तरह इंसान नहीं बन पाया। लेकिन अगर थोड़ा सा समय और दिया जाता तो पूरा इंसान बन जाता, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। बट फिर भी मतलब बहुत सारे लोग उसको देखने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। अगर आप देखो बहुत सारे लोग उसके साथ ऑलरेडी खुश हैं, तो एक फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हैप्पीनेस की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर आप देखें तो क्या जादू है, 7, 10, 10, 7, एक फ्लो जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। और ये चैरिट की एनर्जी है, चैरिट की एनर्जी आगे बढ़ने की एनर्जी होती है, अपने गोल्स और एम्स की तरफ आगे बढ़ने की, अपने गोल्स और एम्स को पूरा करने की एनर्जी। और नो मैटर आपके साथ कौन है या नहीं है, लाइक अ वॉरियर आप अपनी एनर्जी में आगे बढ़ते हो, अपने टास्क पे आगे बढ़ते हो, अपने काम पे आगे बढ़ते हो। और जो समंदर है, जो फिश है, जो शिप्स हैं, वो सब आपकी मदद करती हैं इसमें। और लास्ट कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अवेटेड जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है, समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर बहुत समय से, बहुत शिद्दत के साथ आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, और वो चीज़ आपकी तरफ आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर लिटरली एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर 7, 11, 7, 3, 10, सो बेसिकली 7 and 111 की एनर्जी है, और 7, 111 भी 10 की एनर्जी बनता है। समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन फॉर यू कैंसेरियंस फॉर श्योर, क्योंकि बहुत वंडरफुल कार्ड्स आए हैं। अब अगर मनी की बात करूँ तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी के साथ खूब पेशेंस रखने हैं आपने। पैसा आएगा अनडाउटेबली, आपको इनहेरिटेंस से भी आ सकता है, कहीं किसी इन्वेस्टमेंट से, बिजनेस से, फैमिली बिजनेस से, फैमिली प्रॉपर्टी से, आपके कोई पुराने बिजनेस से, कहीं से भी मनी आएगा आपके पास। लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी पेशेंस के साथ, जिस पेशेंस के साथ आपके पास वो मनी आएगा, उसी पेशेंस के साथ आपने आगे उसको इन्वेस्ट करने के तरीके सोचने हैं। इस महीने इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है दैट
हो सकता है कि कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश करे, जहां पर आप बहुत पेशेंटली धीरे धीरे किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या धीरे धीरे अपने फैमिली मनी को, फैमिली चीजों को, सिचुएशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश करे जल्दबाजी करवाने के लिए, तो जल्दबाजी की एनर्जी में नहीं आना है। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको ही मिलेगा। जल्दबाजी जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दबाजी हेल्प नहीं करेगी, नुकसान कर देगी। तीसरा, मनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं आपने, वो आपने अपनी इंडिपेंडेंट सूझबूझ से लेने हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे पता नहीं है, या मैं नहीं जानता हूँ, या मैं नहीं जानती हूँ। थोड़ा सा भरोसा, थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा माइंडसेट, और चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट कर जाएंगी। अगर किसी तरह की इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी से मनी आना था, तो उसके भी आने के चांसेस जो हैं वो बन जाएंगे। पर एक ध्यान रखना है, आपने चीटिंग नहीं करनी है, कुछ भी गलत नहीं करना है, और किसी को भी पैसे के लिए या किसी और चीज़ के लिए ट्रिक करने की कोशिश नहीं करनी है। बट यहाँ से मुझे डेफिनेटली व्हील्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। दूसरी एनर्जी अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के प्रस्पेक्टिव से एक तो आपने ध्यान रखना है अपने ब्लड प्रेशर का, और शुगर अगर है तो शुगर का, तो ब्लड प्रेशर और शुगर दो चीज़ें आ गई। अगर ओल्ड एज में हैं तो ओल्ड एज से रिलेटेड जो भी आपको इश्यूज हैं उनको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। नी में पेन या हेडेक्स या किसी तरह की कोई एलर्जी, उसको लेकर थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो कोशिश करनी है कि मिनिमाइज करें आप सिगरेट्स। अगर ना स्मोक करें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर करें तो भी मिनिमाइज करके करें। अगर आप फिश लेते हैं डाइट में, तो थोड़ा सा केयरफुल होके लेना है, अच्छी तरह पकी हुई फिश, या फिर अवॉइड कर सके तो अवॉइड करें। मुझे थोड़ी सी कुछ एलर्जी होना, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होना, या कोई डिजीज होना, उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर स्टोन्स हैं थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर नहीं है तो भी, अगर पेन होती है किसी तरह की जो समझ में नहीं आती है, तो चेक करा लेना है। थोड़ी सी स्टोन की एनर्जी एक्टिवेटेड लग रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको काउ मिल्क से या काउ के प्रोडक्ट्स से एलर्जी है, तो जो भी प्रोडक्ट्स लेंगे थोड़ा सा देख के लेना, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, आपको पता नहीं लगेगा आप ले लेंगे और फिर एलर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में पेशेंस जो है वो ज़रूरी होने वाले हैं। रिलेशनशिप्स आपके बदलने वाले हैं, कुछ चेंज होने वाला है आपके रिलेशनशिप्स में। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना है, चीज़ों को एनालाइज करके करना है, और हर वक्त कोई ना कोई आपके आसपास होगा जो आपको गाइड करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। पर यहाँ पर मुझे ब्लड रिलेशनशिप्स से ज़्यादा लव रिलेशनशिप्स लग रहे हैं, सपोर्टर्स, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले दो कार्ड्स में तो सेल्फ एनर्जी है, अपने ऊपर भरोसा करने की। उसके बाद जो सेकंड कार्ड है उसमें भी बाय और सेल्फ हो, आप बहुत सारे हाथ पैर हैं पर वो आपके ही हैं, आप जगह जगह मार रहे हो। तीसरा कार्ड जो है उसमें या तो बच्चे हैं, या फिर एक फीमेल है जो मदद कर रही है या हेल्प कर रही है, लेकिन वो भी वाइफ हो सकती है, पार्टनर हो सकती है, बट नॉट रियली लाइक पेरेंट्स और सिबलिंग्स, वो वाली एनर्जी यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखें तो वो अकेला जा रहा है, उसके पास दो फिश हैं जो उसकी मदद कर रही हैं, अगेन नॉट फ्रॉम द सेम फैमिली बट स्टिल हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग। काउ नॉट फ्रॉम द सेम फैमिली बट हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको रिलेशनशिप्स जो है ना, एक्सटेंडेड फैमिलीज, सोल कनेक्शंस, कनेक्टिविटी, लव, या जो रिश्ते हम अपने उससे बनाते हैं, वो रिश्ते इस महीने काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड होंगे आपके लिए, और काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके आसपास रहेंगे, हर पॉइंट पे आपको सपोर्ट करेंगे। आपने भी ध्यान रखना है, धोखा नहीं करना है, कुछ गलत नहीं बोलना है, और अगर किसी चीज़ का इंतज़ार है या कोई चीज़ किसी से, कोई कम्युनिकेशन या कुछ भी आप चाहते हो, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आप इंतज़ार करेंगे तो चीज़ें होने लगेंगी। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब किसी को, किसी के तरफ भी आप पहला कदम बढ़ाते हो, चाहे वो नई रिलेशनशिप है, चाहे किसी पेरेंट्स को कुछ बोलना है, सिबलिंग्स को कुछ बोलना है, कहीं पे भी, तो अपनी सारी बातें एक बार में नहीं बोलनी है आपने। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आराम से एक बात बोलनी है, रिएक्शन देखना है, उसके बाद नेक्स्ट बात पे जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा, ये रिलेशनशिप्स को आपकी बहुत अच्छे से नर्चर करेगा। फैमिली, एक्सटेंड फैमिली के साथ समय बिताना इसकी पॉसिबिलिटी है। कहीं अचानक से कोई ऐसा फैमिली मेम्बर आ जाए जो बहुत समय से ना आया हो, और फिर और लोग भी, और बच्चे भी, और फैमिली, एक्सटेंड फैमिली भी उससे मिलने आए,
उसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। अब बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर के परस्पेक्टिव से अगेन पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ पैर मारने पड़ेंगे आपको अनडाउटेबली। हो सकता है कि आपको अपने अपने जॉब पे, अपने वर्क पे, अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में अपने आप को प्रूफ करना पड़े, और अगर आप भरोसा रखोगे तो आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे। तो चैलेंज लेने से घबराना नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है, जब आप चैलेंज लेंगे तो टाइमलाइन थोड़ी सी एक्सटेंडेड देनी है और पूरी मेहनत करनी है। अगर आप कोई भी चैलेंज लेंगे, चाहे आपके वर्क पे है, चाहे आपकी पढ़ाई में है, चाहे आपके करियर में है, मतलब बिजनेस में है, चाहे आपके पैशन पे है, कोई भी चैलेंज लेंगे, अगर आप उसमें अपना 100% देंगे और पूरी एनर्जी से उसमें डूब जाएंगे, बह जाएंगे, उसमें इंडल्ज हो जाएंगे, और एक बार में अपना सारा आउटकम सामने नहीं रखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुली काम करेगा। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं और टाइमलाइंस थोड़ी सी एक्सटेंडेड, ये आपने याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। करियर वाइज, मुझे करियर वाइज भी हेल्प और सपोर्ट मिलने की एनर्जी लग रही है। अगर फैमिली बिजनेस सही से नहीं चल रहा था तो मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता हुआ लग रहा है, या कोई ऐसा पर्सन आता हुआ लग रहा है जो आपको हेल्प करेगा। पर अगेन मैं बोल रही हूँ, अपने सारे तीर एकदम से नहीं चला देने हैं। कैंसेरियंस के लिए ये चीज इस महीने बहुत ध्यान रखने की है, अपने सारे तीर एकदम से नहीं चलाने हैं। एक बात बोलनी है, रिएक्शन देखना है, फिर अगला काम करना है, एक एक करके कदम बढ़ाने हैं, और सपोर्ट सिस्टम आपके आसपास होगा, आपने किसी के साथ धोखा नहीं करना है, और अगर डिसीजंस लेने हैं तो अपनी एनर्जी के साथ लेने हैं, किसी की बातों में आकर नहीं लेने हैं। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो महीना बहुत वंडरफुल एनर्जी लेकर आ रहा है। आप देखते हैं फोकस पॉइंट, टॉरस। टॉरस की एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली अबंडेंस की एनर्जी होती है, रिच, अर्ली, प्रोटेक्टिव, रिलैक्स्ड, स्लो एनर्जी। बट एट द सेम टाइम टॉरस की एनर्जी बुल एनर्जी होती है, और अगर आप देखें बुल एनर्जी, तो बुल बहुत, अगर वो बैलेंस्ड है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। रादर अगर बुल की बात करें तो नंदी की बात करते हैं हम, एक्चुअली शिव के वाहन की बात करते हैं हम, तो आप खुद सोचिए कि कितनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस महीने। अगर आप हार्ड वर्क पे फोकस करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, खुद पे बिल्कुल भरोसा रखेंगे पूरी तरह से, और अपने गोल्स और एम्स जो हैं वो पॉजिटिव रखेंगे, अच्छे के लिए और अच्छी तरह से रखेंगे, और आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक बार में सब कुछ नहीं कर देंगे, तो ये महीना आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है। अनडाउटेबली सपोर्ट, नंदी शिव के सबसे बड़े सपोर्ट है, तो अनडाउटेबली सपोर्ट आपकी तरफ आने वाला है, और सिर्फ सपोर्ट नहीं, इफ यू सी यहाँ मनी भी है तो स्टेबिलिटी, फ्लावर्स भी हैं तो लव, पीस, और नेचर भी है तो सपोर्ट्स, एवरीथिंग, हर चीज जो आपको चाहिए वो आपकी तरफ आएगी। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि अपने ऊपर भरोसा जो है इस महीने पूरी तरह से रखना है। अब देखते हैं गाइडेंस, तो गाइडेंस आपके लिए क्या है, गोल्ड। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। नंबर 9 की एनर्जी है, और ये भी क्लियरली सेम मैसेज दे रही है, आपके अंदर वो सब कुछ है जिससे आप अपने आप को पूरी तरह से क्रिएट कर सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो, आगे ले जा सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को फिक्स करने के लिए। अगर कोई आपको बोलता है तुम अधूरे हो, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, लेट गो, सुनो मत। आपके अंदर वो सब कुछ है आपको चाहिए जो, और आपको किसी की जरूरत नहीं है आपको फिक्स करने के लिए। खुद पे भरोसा रखो एंड जंप इनटू दैट फायर ऑफ चैलेंजेस एंड सी हाउ ब्यूटिफुल यू आर गोइंग टू कम आउट। बहुत वंडरफुल एनर्जी है, और मैं लिटरली बोलती हूँ लास्ट जोडिक साइन कर रही हूँ मैं, अगर इस पूरे महीने में सबसे बढ़िया किसी जोडिक साइन के कार्ड्स हैं तो मुझे लगता है वो कैंसर और लियो के हैं। तो बहुत वंडरफुल एनर्जी है, और आपके लिए नंबर ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ तो अनडाउटेबली मैं आपको 7 ही दूंगी, 7, 7, 1, 17, तीनों नंबर आपके लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। कलर ऑफ द मंथ इस महीने मैं बोलूंगी येलो ऑरेंज, और इवन सॉरी ब्लू ग्रीन की शेड्स भी अच्छी रहेंगी, लेकिन येलो ऑरेंज मेनली। और चक्रा मेडिटेशन, अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन करें, अगर नहीं कर सकते हैं नेचर में थोड़ी देर 10 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के, 2 मिनट बैठ के ग्राउंडिंग कर लें। और इस महीने लोअर चक्रास की मेडिटेशन जरूर करें, मतलब आपका रूट चक्रा जो कि मूलाधारा है, आपका सेक्रल जो कि स्वादिष्टाना है, सोलर प्लेक्सस जो कि मणिपुरा है, और हार्ट जो कि अनाहता है, इनकी मेडिटेशन जरूर करें। तो लोअर चक्रा की मेडिटेशंस नहीं भूलनी है, बट अदरवाइज एनर्जीज बहुत 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 ब्यूटीफुल हैं। ये मैंने किसी के लिए नहीं किया, बट आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग आउट वन स्पेशल कार्ड फॉर यू गाइज, सो आई विल। अपनी इनर वॉइस को ना कभी इग्नोर नहीं करना, ये हमेशा याद रखना। 4 ऑफ
कॉइंस, ब्यूटिफुल एनर्जी टू गिव यू और टेल यू दैट आपको सिर्फ एक चीज से इस महीने अपने आप को बचा के रखना है, गेटिंग पोजेसिव और गेटिंग क्लोज्ड और ट्राइंग टू प्रोटेक्ट पीपल टू मच। तो इस महीने आपको आउट ऑफ लव किसी को इतना प्रोटेक्ट ना कर दें कि वो बंदा आपसे छूट के भागने की कोशिश करे। और अगर आप कहीं पे स्टक हैं तो इस महीने वो हेल्प आपके लिए आ रही है जो आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकालेगी, और वो हेल्प आपके लिए आ रही है जो जिसने भी आपको छुपा के रखा है, स्टक करके रखा है, मूव नहीं करने दे रहा है, एक्शन नहीं लेने दे रहा है, उसको खत्म करने में मदद करेगी। तो एक चैलेंज आपकी लाइफ का बहुत बड़ा इस महीने खत्म होगा इफ यू ओपन योर सेल्फ। और फोर की एनर्जी जो है वो फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी भी होती है। तो इसके साथ अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं या कार्ड सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें और 3 लोगों के साथ एटलीस्ट शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।